हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी राजनीति पर तीखा प्रहार करता है। राजनीतिक जो है, हमारी मीडिया का जो स्तर है, और सबसे बड़ा तीखा प्रहार करता है हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखा ये चैप्टर है, जॉर्ज पंचम की नाक। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी इसमें हम चलते हैं कि ये चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर हमें क्या बताना चाहता है। तो हम देखेंगे कि जब हम चैप्टर में अंदर जाएंगे तो हमें ये, चूँकि ये जो लिखा गया है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारी मानसिकता का आकलन करता है, और हमने पाया है इस चैप्टर के अंतर्गत हमने ये पाया है कि हम भारतीय हैं या जो हम इंडियंस हैं, हम अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है, हमने आज़ादी मना ली है, लेकिन हमारी परतंत्र मानसिकता आज भी हमारे साथ, शायद आज भी हमारे साथ उतनी नहीं, पर हम पूर्णतः निकल गए हैं हम ये भी नहीं कह सकते, उतनी नहीं, आज की स्थिति की बात कर रही हूँ मैं, उतनी नहीं, पर उस परतंत्र मानसिकता से हम आज भी नहीं उबर पाए हैं। इसलिए कमलेश्वर जी का ये चैप्टर हमें आज भी उतनी ही एनर्जी और उतनी ही सोच के साथ समझना चाहिए कि आखिर परतंत्र मानसिकता होती क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, और ये हमें क्यों नहीं रखनी है। हमारी क्रिएटिविटी या हमारी वास्तविक अकल बुद्धि जो है, या हमारी वास्तविक सोच पर है, इसका कैसा असर होता है। इसलिए परतंत्र सोच, कैसे ना तुलसीदास जी ने भी कहा है इस बात को कि पराधीन सपने सुख नाही। अब पराधीन का मतलब, यहाँ मानसिकता भी अगर हमारी पराधीन हो गई तो हमारा जीवन, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा जीवन, क्या जीवन जी रहा होगा इंसान, और क्या तरक्की कर रहा होगा, उसके जीवन में विकास की क्या क्रम होगी। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर के माध्यम से सीखना चाहिए, और चाहेंगे मेरे बच्चों, यह चैप्टर हम जब पढ़ते हैं और जब तक पढ़ लेंगे तो एक दिन हम निकल के, यदि इस चैप्टर का सही हम लोगों के ऊपर असर आता है, तो हम परतंत्र मानसिकता से बिल्कुल एक मतलब हट जाएंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे इस बात को, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने आप की एक परतंत्र मानसिकता में जीवन जीने के लिए या जीवन यापन करने अपना हम बिल्कुल उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये मानसिकता हमारे जीवन के विकास के लिए कदापि अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई चैप्टर के बाहर इंट्रोडक्टरी बातें, चैप्टर क्या लाया है हमारे लिए। अब बात आती है चैप्टर के अंदर जॉर्ज पंचम की नाक की, जो कि कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। तीखा व्यंग है परतंत्र मानसिकता पर, जो कि हमारी आंखों को खोलता है कि हमें क्या नहीं करना है, स्वतंत्रता, हम किस मायने में स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर की अब हम लाइनों को पढ़कर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इसका लुत्फ़ उठाते हैं और इसके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक, राइटर हैं इसके कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस द्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था, जमाना चूंकि नया था, फौज फांटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ये जो चैप्टर है, इसमें सीन क्रिएट होता है कैसे, रानी एलिजाबेथ सेकंड, यानी कि द्वितीय एलिजाबेथ द्वितीय अपने हस्बैंड के साथ इंडिया आ रही थी, और टाइम क्या था, देश स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम की बात है जब देश स्वतंत्र हुए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और एलिजाबेथ इंडिया आई थी।
अब देश तो स्वतंत्र हो गया था, पर हमारी परतंत्र मानसिकता, यहाँ हमें ये चैप्टर खोल के रख देगा कि हम परतंत्र मानसिकता के शिकार थे। ठीक है, तो ये जो बता रहा है कि एलिजाबेथ सेकंड आ रही थी, ठीक, और सब जगह इंडिया में खलबली मची हुई थी, सभी अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो हमारा पेज नंबर 10 का पैराग्राफ नंबर 1 ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर जगह जगह तहलका मचा हुआ था, फोटोग्राफर्स और जो रानी से रिलेटेड थे वो उनका मतलब अपने को बेस्ट दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए तरह तरह से उपाय कर रहे थे, जिसमें उनका एक दर्जी भी था। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे बेटा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू।